ओके जी, तो इस तरह की 3D लेटर्स के लिए सबसे पहले हमें canva.com में आना है और एक ब्लैंक पेज ले लेना है हमें। तो ये ब्लैंक पेज आ चुका है, उसके बाद जो है आपने यहाँ से सबसे पहले एलिमेंट्स में आना है। एलिमेंट्स में आने के बाद हम यहाँ से जो है स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर फ्रेम वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हम सी ऑल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको लेटर्स वाले फ्रेम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको लेटर्स मिल जाएंगे, तो जिस लेटर पर भी आप काम करना चाहते हैं वो लेटर को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक लेटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये फ्रेम आ चुका है हमारा ओ, और उसको जो है आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन हम एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पर जो है हम सर्च करेंगे कोई भी आप इमेज, वाइल्ड एनिमल्स या फिर जो भी आप इमेज पे काम करना चाहते हैं वो इमेज आप यहाँ से ले लेंगे। और अगर आप कैनवा से ही उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी इमेजेस फ्री में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री की इमेजेस। तो यहाँ पर हम कोई एक इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे हम 3D इफेक्ट डाल सकें। तो ये एक इमेज हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। इमेज को जो है हम सबसे पहले यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करके इसको एडजस्ट करके देख लेंगे तो किस तरीके से इमेज हमें एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो इस इमेज का हम फिर डुप्लीकेट भी एक बना लेंगे। उसके बाद इस इमेज को हम इस फ्रेम में एडजस्ट कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी को इसकी 100 करके इस फ्रेम के साथ हमने इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके इस इमेज को जो है हम ज़रा एडजस्ट करेंगे, उसके साइज़ को बड़ा कर लेंगे हम यहाँ से, और उसको कुछ इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे ताकि 3D इफेक्ट जो है हमारा अच्छे से आ सके। उसके बाद हम इस फ्रेम को जो है एक डुप्लीकेट बना लेंगे और उसको बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करेंगे। और यहाँ से हम जो है इसके फ्रेम वाले ऑप्शन इस पे क्लिक करके हम एडिट फोटो में आएंगे और एडजस्टमेंट पे हम आएंगे और इस इमेज के जो है थोड़े से कलर वगैरह को हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमें इसका शेडो इफेक्ट डालना है। तो इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन जो है एडजस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करके जो है एडजस्ट कर लेंगे जिस तरीके से शेडो इफेक्ट्स हमारा जो है अच्छा लग सके। उसके बाद जो है इसे फ्रेम को जो है हम लेयर में आके सेंड टू बैकवर्ड कर लेंगे और उसके बाद जो है आप जिस तरीके से भी अपने शेडो इफेक्ट्स डालना चाहते हो उसको उस हिसाब से जो है आपने उस अलाइनमेंट पे एडजस्ट कर लेना है उसको। तो यहाँ से मज़ीद मैं जो है इसके जो है एडजस्टमेंट कर लेता हूँ कलर की ताकि ये थोड़ा सा और शेडो इफेक्ट जो है अच्छा लग सके। ओके, तो मच भी बेटर। उसके बाद जो है इन दोनों फ्रेम्स को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इनको हम ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी इमेज थी उसको जो है हम यहाँ से इस इमेज को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको जो है अब हमें 3D इफेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस इमेज को हमने सबसे पहले जो है इसके बैकग्राउंड को हमने रिमूव करना है। यहाँ से हम इसको एडजस्ट करके इसके बैकग्राउंड को हमने सबसे पहले इसके रिमूव करना है। तो हम यहाँ से पहले एडजस्ट करके देख लेंगे कि हमारा फ्रेम में किस तरीके से ये एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद जो है हम यहाँ से एडिट फोटो में आके बीजी रिमूवर के ज़रिए इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर लेंगे। इसको जो है हम अपने कीबोर्ड एरो की मदद से जो है पिक्चर को एडजस्ट करेंगे और बाकी हिस्से को हम यहाँ से क्रॉप कर लेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से 100 कर लेंगे। तो इमेज जो है आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद जो है मज़ीद हम थोड़ा सा इसको इस इमेज को जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी यहाँ पर जो है 3D इफेक्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद जो है हम यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन में आके इस इमेज को जो है हम डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे PNG फॉर्मेट में। उसके बाद अगेन इस इमेज को जो है हम अपने इस कैनवा पे अगेन अपलोड कर लेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। उसके बाद एक न्यू पेज में लेंगे हम और उसमें जो है हम कलर ऐड करेंगे और जो हमने अभी फॉन्ट्स बनाया था, जो इमेज हमने यहाँ पर अपलोड की थी उसे हम यहाँ पर ले आएंगे और उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इस इमेज के जो है हम डुप्लीकेट एक बनाएंगे और उसको जो है 180 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे।
और उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और इसके साथ इस फ्लैप वाले ऑप्शन से हम इसको हॉरिजेंटल पे कर लेंगे और इसको बिल्कुल इस इमेज के साथ बिल्कुल इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेंगे, बिल्कुल कम कर लेंगे, लो कर लेंगे, ताकि ये शेडो इफेक्ट जो है अच्छी तरीके से आ सके, रिफ्लेक्शन इफेक्ट आ सके इसका। और यहाँ से एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में आएंगे हम, और यहाँ पर सर्च में जो है हम ग्रेडियंट को सर्च कर लेंगे यहाँ से, और ग्रेडियंट को सर्च करने के बाद जो हम यहाँ से ग्राफिक वाले ऑप्शन में आएंगे, और जो हमें फर्स्ट ग्रेडियंट ऑप्शन मिल रहा होगा उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगेन हम यहाँ से एलिमेंट्स में आके यहाँ पर सर्च करेंगे, ड्रॉप शेडो को हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे, और ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में आके फर्स्ट जो हमें ड्रॉप शेडो ऑप्शन मिल रहा है उसे हम यहाँ से ले लेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद उसको भी हम इस तरीके से इसके जो हमारा अल्फ़ाबेट 3D अल्फ़ाबेट है उसके साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे, ताकि एक अच्छे तरीके से जो है हमारा इमेज जो है वो रेडी हो सके। तो इसके बाद जो है इसके पोजीशन वगैरह को आपने एडजस्ट कर लेना है। मज़ीद अगर आपने जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है वो आप इस लेयर की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी 3D लेटर पिक्चर जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और इस तरीके से आप कैनवा के ज़रिए जो है इस तरह की इमेजेस को बना सकते हैं। मज़ीद इस तरह की कैनवा ट्यूटोरियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।